Hello and welcome. So today I am started with some literary terms which is very important for the all examination, which is a KVS, NVS, TGT and also BPSC jiska paper hona hai abhi 4.0. So let us start with this. The first term is allegory. An allegory is a narrative in which the character often स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जब राइटर नरेट करता है तो वो क्या कहलाता है, एलिगोरी. एन एलिगोरी जनरली टीच ए लेसन बाई मीन इट्स इंस्ट्रक्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी. मतलब जो एलिगोरी होता है यहाँ पर जो करेक्टर होता है वो कई नई स्टोरीज को इंटरेस्टिंग स्टोरीज के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को क्या करता है, बताता है. तो दैट इज़ वॉट एलिगोरी. फिर नेक्स्ट है एलिटरेशन. एलिटरेशन इज अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ ए स्पीच, यू कैन से. तो एलिटरेशन द रिपीटेशन एट क्लोज इंटरवल ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड फॉर ए पर्पज. फॉर एग्जाम्पल विलिंग इज द विंटर वाइंड, मतलब द डब्ल्यू वर्ड इज कमिंग फोर टाइम्स, सो इट्स वॉट एलिटरेशन. ठीक. नेक्स्ट इज एल्यूजन, ए रिफरेंस टू sometime in literature, history, mythology, religious text. मतलब जो allusion है वो क्या करता है, reference, मतलब ये एक reference है, संदर्भ है. something in literature, allusion क्या है कि कभी कभी ये allusion क्या है बेटा, allusion is a reference, something in literature, history, mythology, religious text, etc. considered कॉमन नॉलेज, मतलब एल्यूजन क्या करता है, कॉन्सिडर्ड करता है कॉमन नॉलेज को, जो सामान्य ज्ञान है उसको ये व्यक्त करता है. फिर नेक्स्ट है एनालॉजी, ए पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन. एनालॉजी का मतलब जब हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एनालॉजी कहलाता है. ठीक है. एनालॉजी इज ए पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स फॉर ए पर्पस ऑफ क्लासीफाइंग less knowledge, मतलब कम knowledge को ये select, वो कम knowledge को बताने के लिए किसका use किया जाता है, allusion. मतलब dissimilar thing को बताने के लिए हम किसका use करते हैं, allusion का करते हैं. ठीक है, किसका use करते. So the next term is एम्बिग्यूटी. एल्यूजन आपको क्लियर हो गया था, ए रिफरेंस टू समथिंग इन लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथोलॉजी, रिलीजियस टेक्स्ट इज कॉल्ड एल्यूजन. कॉन्सिडर्ड कॉमन नॉलेज, मतलब जो किसी चीज़ के बारे में कॉमन नॉलेज देता है उसे कहते हैं एल्यूजन. उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूजन कहते हैं. ठीक है, जो हमें किसी चीज़ के बारे में कॉमन नॉलेज देता है उसे एल्यूजन कहते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है एम्बिग्यूटी, डबल एंड इवेंट मल्टीपल मीनिंग, मतलब डबल भी है और इवन मल्टीपल मीनिंग होता है उसे कहते हैं एम्बिग्यूटी. ठीक. फिर है एनालॉजी, ए पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द लेस फैमिलर ऑफ टू थिंग, एलिगोरी कहलाता है. एंटागोनिस्ट क्या होता है, व्हाट इज एंटागोनिस्ट, द करेक्टर और फोर्स दैट अपोज द प्रोटोगोनिस्ट, मतलब जो हीरो के अपोजिट में काम करता है उसे एंटागोनिस्ट कहता है. इट कैन बी ए करेक्टर, एन एनिमल, ए फोर्स, ए वीकनेस ऑफ ए करेक्टर. मतलब जो एंटागोनिस्ट होता है वो करेक्टर के विपरीत बोलता है, मतलब उसका विरोधी होता है और उसका मतलब अच्छा ना चाहने वाला कहलाता है एंटागोनिस्ट. फिर है एपोस्ट्रॉफी, बचपन से अभी लोग पढ़ रहे हैं हम लोग. द डिवाइस यूजली इन पोएट्री ऑफ कॉलिंग आउट ऑफ इमेजिनरी डेड एंड एब्सेंट पर्सन और टू बी ए प्लेस थिंग्स और ए पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन either to begin a poem or to make a dramatic break in thought somewhere within the poem. This is called what? Apostrophe. Phir hai assonance. What is assonance? Assonance is like, alliteration. See the difference. Dekho, I am just compare the both. First of all, you have to just know about the what is the meaning of assonance. The repetition at close interval of वोवेल साउंड फॉर ए पर्पस, मतलब अगर वोवेल साउंड का बार बार यूज होता है तो हम उसे कहते हैं एजोनेंस. जैसे मैड एज ए हेटर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एजोनेंस कहलाएगा. अब देखो बैलेड है, बी फॉर बैलेड, ए नैरेटिव पोएम दैट वॉज ओरिजिनली मीन टू बी संग, मतलब जिसे हम किसी
के बारे में कुछ गाकर बताते हैं उसे कहते हैं बैलेट। बैलेट आर जनरली अबाउट ऑर्डिनरी पीपल हु हैज़ यूजली एडवेंचर विद ए सिंगल ट्रेजिक इंसिडेंट एज द सेंट्रल फोर्सेस। दे कंटेन डायलॉग एंड रिपीटिशन एंड इम्प्ली मोर देन दे एक्चुअली टेल। मतलब जो वो कहना चाहता है उससे ज़्यादा कुछ उसके बारे में कहना, वो उसको बढ़ा चढ़ा के या कह सकते हैं द सेंट्रल फोकस किया जाए, डायलॉग एंड रिपीटिशन किया जाए, इम्प्लाई मोर दे एक्चुअली टेल, जो कहना चाह रहा है उससे कुछ बढ़ा कर हम कुछ कहते हैं तो कहलाता है बैलेट। कोकोफोनी क्या होता है? वॉट इज़ कोकोफोनी? कोकोफोनी इज़ अ साउंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द ईयर, जैसे लाइक हर्स क्लैसिंग और डिसोनेंट साउंड ऑफन प्रोड्यूसिंग बाई कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट रिक्वायर्ड ए क्लिप्ड एक्सप्लोसिव डिलीवरी और वर्ड्स दैट कंटेन ए नंबर ऑफ पोलोसिव कॉन्सोनेंट्स सच एज बी डी जी के पी टी द अपोजिट ऑफ ईयोफोनी। मतलब ये ईयोफोनी का अपोजिट होता है। Cacophony is the sound is not liked by everyone is called what? Cacophony. अब देखो है catalog, a long list of anything in inventory used to emphasize quality or exclusive. जैसे हम लोग कोई सूट खरीदते हैं या कोई ड्रेस का कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या दिखाते हैं? कैटलॉग, कि आपको उसमें जो पसंद हो। आप जैसे हम लोग पुताई कराते हैं तो उसमें भी एक कैटलॉग हमें दिखा दिया जाता है कि आपको जो कलर चूज़ करना हो आप उसमें से बता दो, फिर वो दुकान वाला निकाल देता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैटलॉग। ए लिस्ट ऑफ एनीथिंग, दिस इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एनीथिंग, दिस इज अ वन लाइनर क्वेश्चन, लाइक यू नो इट्स वेरी सिमिलर टू आई जस्ट एक्सप्लेन। देखो करेक्टर, ए व्हीकल, अब इसमें करेक्टर में क्या क्या हो सकता है? पर्सन, एनिमल एंड क्रिएचर दैट मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। ए करेक्टर मे बी मेन और माइनर, मतलब करेक्टर मेन भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन हिज एंड हर रोल इन द वर्क ऑफ लिटरेचर। मतलब ये डिपेंड करता है उसके काम पर, ठीक है। वाइल सम करेक्टर्स आर टू डायमेंशनल विथ वन और टू डायमेंशनल ट्रेट, ट्रेट मीन्स होता है उनके गुण, किसी के वन एंड टू डायमेंशनल गुण होते हैं। ए फुली डेवलप्ड करेक्टर एज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रेट, लेकिन जो फुली डेवलप्ड करेक्टर होता है उसके कुछ यूनिक कॉम्प्लेक्शन होते हैं। डायनेमिक करेक्टर ऑफन चेंज एज ए प्लॉट अनफोल्ड, स्टैटिक करेक्टर रिमेन्स द सेम, ठीक है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। फिर है करेक्टराइजेशन, रिफर्स टू द टेक्निक एम्प्लॉयड बाय द राइटर ऑफ डेवलप्ड करेक्टर। द राइटर मे यूज फिजिकल डिस्क्रिप्शन, डायलॉग स्पोकन बाय द करेक्टर एंड बाय द करेक्टर रिवील्स करेक्टर ट्रेट। ए करेक्टर एक्शन मे बी मीन ऑफ करेक्टराइजेशन, द रिएक्शन ऑफ अनदर करेक्टर मे ऑल्सो बी रिवीलिंग ए करेक्टर थॉट एयर्ड फीलिंग एंड ऑल्सो द मीन ऑफ द करेक्टराइजेशन। फिर आपका क्लाइमेक्स, द पॉइंट एट विच द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी बिगेन टू रीच ए टर्निंग पॉइंट एंड बिगेन टू बी द रिजॉल्व। मतलब जहाँ पर स्टोरी का अंत होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कहते हैं। फिर देखो कॉन्सिएट, एन एलोबरेट फीचर फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू वेरी डिसिमिलर थिंग। मतलब जब दो डिसिमिलर थिंग को कंपेयर किया जाता है तो क्या कहलाता है? कॉन्सीट कहलाता है, ठीक है। मतलब an elaboration of figure of speech comparing two very dissimilar things that is called conceit. Phir a conflict, thus a struggle between the opposite force that is basic of the plot. Internal conflict, character struggling with his or herself. External characteristic, struggling with force of other sides, her or herself, for example nature, god, society and another person and techniques. These are the some important figure of speech. I hope you understand each and everything what I explained today. So please subscribe my channel and press the bell icon. Never miss any update regarding English literature and grammar. Keep subscribing and follow my channel and page. Thanks for watching.